हाय गाइस, वेलकम बैक टू फीमेल क्रिकेट चैनल। हम 200 वुमेन का मैच नंबर 9 जो कि ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स है, उसकी फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये मैच नंबर 9 7:30 पे खेला जाएगा नॉटिंघम में, जो कि ट्रेंट रॉकेट्स का होम ग्राउंड है। सो इन दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही टीम्स कैप्टन है दो दिग्गज ऑलराउंडर्स से। नैट्स के वो ब्रंट ट्रेंट रॉकेट्स की कप्तान है और एलिस पेरी जो है वो कि बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तान है। दोनों ही क्लैश ऑफ ऑलराउंडर्स का ये मैच होने वाला है। सो काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। इसका एक बार हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नजर डालते हैं। ये हमारा फीमेल क्रिकेट का डैशबोर्ड है जो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी एक इंटरेस्टिंग है बिकॉज इक्वल है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि बर्मिंघम फीनिक्स ने दो बार हराया ट्रेंट रॉकेट्स को, एंड सिमिलरली ट्रेंट रॉकेट्स ने दो बार हराया बर्मिंघम फीनिक्स को। रिजल्ट एक बार नो रिजल्ट आया है, पर अगर हम ओवरऑल इनका देखें तो यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट्स लीड पे है बर्मिंघम फीनिक्स के, कि वहां पे इनका थोड़ा पड़ना भारी है कि वहां पे उन्होंने अपने नाम 10 विंस दर्ज करी हैं, एंड बर्मिंघम फीनिक्स का जहां तक बात है उन्होंने अपने नाम 7 विंस दर्ज करी हैं। सो विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रेंट रॉकेट्स के फेवर में है, पर आप लोग अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का यूज कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते जो आपको मौका देता है प्रिडिक्ट करने का और पैसे कमाने का। तो जाइए स्टेक पर, वहां प्लेस करिए अपनी बेट्स और वहां दिए गए सारे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेलिए। और डाउनलोड करने के लिए हमारे दिए गए लिंक इन डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए अभी। और ये याद रखिएगा सिर्फ 18 प्लस के लोगों के लिए। सो हमने अभी अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात लगती है। सो हमने विकेट कीपर में एमी जोन्स को रखा है, बैटर्स में हमारे पास सूजी बेट्स और ब्राउनी स्मिथ हैं, ऑलराउंडर्स में एलिस पेरी हमारी वाइस कैप्टन एंड नैट्स के वो ब्रंट हमारी कैप्टन रहेंगी, सोफी डिवाइन और हेदर ग्राम और एशले गार्डनर हमारी बाकी ऑलराउंडर्स हैं। बॉलर्स में हमने अलाना किंग, इजी वॉन्ग और लेवरिक को लिया है। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस आने वाली वीडियो में करेंगे। सो हमारी फैंटेसी 11 टीम कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें अब हम प्लेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट एशले गार्डनर, उनका 3 साल अभी हमारे पास अभी डेटा नहीं है बिकॉज उन्होंने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। 100 में उनका पहला सीजन है। सो वो एक काफी इंटरेस्टिंग पिक होने वाली है। पर उनका अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे एशले गार्डनर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सो वो एक हमारी टीम का हिस्सा है। सो अब हम 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो इन प्लेयर्स का थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बर्मिंघम फीनिक्स से फर्स्ट प्लेयर हमारी एमी जोन्स है जो कि विकेट कीपर है। उनका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 136 के करीब का स्ट्राइक रेट वो पजेस करती हैं, 462 रन्स उन्होंने साथ ही साथ बनाए, तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने वाली है आने वाले मैच में। ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ वो स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं 142 के करीब पहुंच जाता है। सो वो एक काफी एक अच्छा हाइक मिला है उनको वहां पे, एंड उनका सिर्फ एक बार विकेट गया है जो कि नैट्स कीवर ने लिया है। सो एमी जोन्स आने वाले मैच में काफी की प्लेयर होने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में जो कि सूजी बेट्स हैं। उनका हमने परफॉर्मेंस देखा है न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग, न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करती हैं, एंड उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। स्टेबलाइज बैटर, एक अच्छी अप्रोच के साथ बैटिंग करती हैं। उनका भी स्ट्राइक रेट 116 के करीब है और 367 रन उन्होंने साथ ही साथ बनाए। तो सूजी बेट्स एक काफी एक अच्छा प्लेयर पिक होने वाली है इस मैच में, जिसमें ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ उन्होंने 37 रन बनाए हैं। एंड वहां पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर से भी वो आउट हुई है जो स्टोनहाउस है वहां पे, सो वो एक है। एंड दूसरा ऑप्शन आप राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, तो वो एक दो मैचअप्स हो सकते हैं। बट अलाना किंग जो अच्छी बॉलर है उनको उन्होंने सिर्फ 2 ही रन वहां पे मारे, तो वहां एक मैचअप हमें देखने को मिल सकता है। एलिस पेरी का अगर परफॉर्मेंस हम देखें सो उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतरीन है, 136 के करीब का स्ट्राइक रेट वो पजेस करती है। बॉल्स पर बाउंड्री भी 5.16 की है। सो एलिस पेरी का हमने देखा है कैप्टन भी है, साथ ही साथ वो जिस प्रकार की बैटर है उन्होंने हमेशा एग्रेसिव बैटिंग करी है, सो उनकी अप्रोच आप देख सकते हैं। ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 121 का पहुंचता है। उनका विकेट आज तक अभी तक किसी ने नहीं लिया है, 23 रन उन्होंने साथ ही साथ बनाया। तो एलिस पेरी एक अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी इस आने वाले मैच में। अब ऑलराउंडर्स में हमारी सोफी डिवाइन जो कि न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल में कैप्टन है, उनका परफॉर्मेंस देखें सो अपनी एग्रेसिव बैटिंग के लिए जो जानी जाती है उनका अप्रोच आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक रेट 136 के करीब का है। बॉल्स पर बाउंड्री भी वहां पे आप देख सकते हो 4.80 का है। सोफी डिवाइन एक परफेक्ट पिक रहेंगे ऑलराउंडर्स के लिए। उनको अभी हम अगर उनका दूसरा बैटिंग जो ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ है वो देखें तो 25 रन उन्होंने बनाए,
तो बट यहाँ पे एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है सोफी डिवाइन के लिए कि उनको हमने देखा है कि अप्रोच काफी अच्छा है उनका, सो वो आने वाले मार्च में ट्रेंड रॉकेट्स के लिए काफी ट्रबल कर सकती है. सो ये तो हमने बर्मिंघम फीनिक्स के बैटर्स की बात करी. अब ट्रेंड रॉकेट्स के बैटर्स की बात करते हैं कि ब्रायन स्मिथ को हम लोगों ने चूज किया था एज अ बैटर ऑप्शन. सो उनका परफॉर्मेंस देख सकते थे कि 481 रन उन्होंने बनाए हैं एंड 366 बॉल्स उन्होंने फेस किए, तो काफी इससे पता चलता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो द 100 में. एंड 39 बॉल्स फेस किए हैं एंड 61 रन, तो वहाँ स्ट्राइक रेट एक अचानक से हाइक होता है, वो 156 का वहाँ पे स्ट्राइक रेट आपको देखने को मिलता है. एंड लेविक ने सिर्फ उनका 2 बार विकेट लिया है, सो वो एक उनके लिए अच्छा मैचअप होगा ब्राउनी स्मिथ वर्सेस लेविक. बट कंसिडरिंग ब्राउनी स्मिथ का स्ट्राइक रेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो वो बहुत प्रॉब्लम करने वाली है बर्मिंघम फीनिक्स के लिए. नैट्स के वो ब्रांड जो कि कैप्टन है ट्रेंड रॉकेट्स की, उनका परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उनका भी स्ट्राइक रेट 137 के करीब का है, जो कि आक्रामक बल्लेबाज, हमने उनको देखा है कि इंग्लैंड के लिए भी कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं. 664 रन उन्होंने साथ ही साथ बनाए हैं एंड इवन बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ भी 58 रन है और 45 बॉल्स फेस उन्होंने किया है, बट वहां पे भी एक अच्छा परसेंटेज है उनका बॉल्स पर बाउंड्री का. सो नैट्स के वो ब्रांड एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी. उनका विकेट आर्लॉट ने 2 बार लिया था, पर एक अच्छा मैचअप हो सकता है नैट्स के वो ब्रांड का वर्सेज बर्मिंघम फीनिक्स. हेजलग्रम का अगर परफॉर्मेंस हम देखें, सो 127 बॉल्स उन्होंने फेस किया एंड 164 रन उन्होंने बनाए, तो विद द बैट हेजलग्रम काफी एक अच्छा अप्रोच रख सकती हैं आने वाले मैच में. उनका परफॉर्मेंस अगर हम देखें कि बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस कैसा है, सो अगर उस पर हम थोड़ा नजर डालते हैं तो 30 रन उन्होंने बनाए हैं, 18 बॉल्स फेस किए, आउट एक बार भी नहीं हुई है. तो हेजलग्रम की अगर बात, तो ये तो हमारे बैटर्स की हमने बात करी. अब हम ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, जो कि मतलब ऑलराउंडर्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, साथ ही साथ बॉलर्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बर्मिंघम फीनिक्स की बात करते हैं कि वहां सोफी डिवाइन का हम बॉलिंग अप्रोच अगर देखें तो 3 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं. तो सोफी डिवाइन एज तो हम मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर उनको हम कंसीडर करते हैं, तो आई फील दिस इज डिसेंट कि उनको ज्यादा बॉल्स भी उन्होंने इतना बॉल नहीं किया. बट ट्रेंड रॉकेट्स के खिलाफ भी सोफी डिवाइन का अगर परफॉर्मेंस हम देखें, सो उन्होंने 15 ही बॉल्स आज तक बॉल किए हैं. सो सोफी डिवाइन को एक मतलब एक नया अप्रोच हो सकता है कि एक नई टाइप के वहां पे फेस करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं शायद ट्रेंड रॉकेट्स को, क्योंकि पहली बार सोफी डिवाइन अगर वहां पे अब इस नए सीजन में बॉल करेंगे उनके खिलाफ तो शायद प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. अब नेक्स्ट ट्रेंड रॉकेट से बात करें अगर, तो नैट्स केवर का हमने अभी मेंशन किया कि बैटिंग के साथ उन्होंने कमाल किया ही किया है, साथ ही साथ 9 विकेट्स भी उन्होंने अपने नाम दर्ज किए. सो नैट्स केवर ब्रांड एक अच्छी ऑलराउंडर हो सकती है, साथ ही साथ 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम दर्ज किए. एंड एमी जोन सोफी डिवाइन वहां पे 2 नाम आप बड़े बड़े नाम हैं जिनका हमने स्ट्राइक रेट की बात करी थी कि काफी इंप्रेसिव है, उनका 2 बार विकेट लिया है दोनों का एक एक बार, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है नैट्स केवर ब्रांड का, इसीलिए वो हमारी इस टीम की कैप्टन भी है कि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का भी वहां पे काफी पॉइंट्स मिल सकता है. हेजलग्रम का अगर परफॉर्मेंस हम अपने डैशबोर्ड पे देखें, सो 8 विकेट्स ओवरऑल हेजलग्रम ने लिए हैं, जिसमें बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ हेजलग्रम के जो विकेट्स हैं वो 8 विकेट से उनके 12 बॉल उन्होंने सिर्फ बॉल किए है. सो कंसिडरिंग दैट सिर्फ 17 रन उन्होंने दिए, तो इकोनॉमिक में कह सकती हूँ कि हेजलग्रम है क्योंकि 12 बॉल में सिर्फ 17 रन उन्होंने दिए है, तो हेजलग्रम इस आने वाले मैच में काफी इफेक्टिव हो सकती है. तो ये हमारे बॉलर्स की बात थी. अब अलाना किंग का हमने जिक्र किया था कि पहले मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया था, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी हम कह रहे थे अलाना किंग की तरफ से आई थी. सो 12 विकेट्स उन्होंने ओवरऑल लिए हैं, तो अलाना किंग इस आने वाले मैच में काफी इंपॉर्टेंट है. प्लस बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ भले 1 विकेट नहीं है पर वो रन पर बॉल का जो आप देख सकते हैं वहां पे 0.95 है, सो अलाना किंग इज गोइंग टू बी वेरी इकोनॉमिक कंसिडरिंग उनका पुराना स्टैट्स. एंड इवन एमी जोन्स, एलिस पेरी, उन्होंने भी उनके खिलाफ सिर्फ 9 रन 5 रन ही बनाए हैं. एंड डिवाइन ने भी 5 रन, सुजी वेट्स ने 2 रन, सो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है अलाना किंग का कि उनकी स्पिन अटैक हमने देखा है काफी इफेक्टिव चल रही है, तो वो आने वाले दोनों ही बैटर्स को काफी ट्रबल कर सकती है. हमने इतनी बार केटी लेविक का नाम यहाँ पे देखा था, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो 24 विकेट उन्होंने ओवरऑल लिए हैं, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग बॉलर होने वाली है केटी. उनका इवन ट्रेंड रॉकेट्स के खिलाफ भी 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम दर्ज किए जहाँ पे ब्राउनी स्मिथ का 2 बार विकेट लिया है, सो वो इस आने वाले मैच में बहुत एक अच्छा मैचअप होने वाली है अगेंस्ट ब्राउनी स्मिथ.
सो केटी लेविक हमारी परफेक्ट बॉलर रहेंगी. सो ये हमारी बॉलर्स की टीम थी. अब इजी वॉन्ग जो हमारी लास्ट बॉलर पिक है, उनका परफॉर्मेंस अगर हम ओवरऑल देखें तो 9 विकेट उन्होंने लिए. तो इजी वॉन्ग भी हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है, इवन और भी डोमेस्टिक जो खेलती है वहां पे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है. प्लस बॉलिंग स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं 26 के करीब का है, सो वो भी काफी डिसेंट है. सो इजी वॉन्ग एक अच्छी पिक होने वाली इस मैच के लिए. सो ये हमारी फैंटेसी 11 की टीम थी. हमने आपको सारे प्लेयर्स का डिटेल डिस्कशन दिया. सो आप थैंक यू गाइज.